साथियों, आज भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार जितनी तेजी से बड़ा हो रहा है, कुछ साल पहले तक उसकी कल्पना भी नहीं होती थी। इलेक्ट्रिक वाहनों की एक बड़ी खासियत ये होती है, वो साइलेंट होते हैं। दो पहिया हो या चार पहिया, वो कोई शोर नहीं करते। ये साइलेंस केवल इसकी इंजीनियरिंग का ही नहीं, बल्कि ये देश में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन के आने की भी शुरुआत है। आज लोग ईवी को एक एक्स्ट्रा व्हीकल नहीं समझ रहे, वो उसे प्रमुख साधन मानने लगे हैं। देश भी पिछले 8 वर्षों से इस बदलाव के जमीन तैयार कर रहा था। आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में सप्लाई और डिमांड दोनों पर तेजी से काम कर रहे हैं। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के खरीदारों को कई तरह के इंसेंटिव दे रही है ताकि डिमांड में तेजी आए। इनकम टैक्स में छूट से लेकर लोन को आसान बनाने जैसे कई कदम उठाए गए हैं, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़े। इसी तरह ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स में पीएलआई स्कीम के जरिए सप्लाई बढ़ाने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के पूरे इकोसिस्टम को रफ्तार देने के लिए कई कदम उठाए हैं। पीएलआई स्कीम के जरिए बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को उसको भी काफी बढ़ावा मिल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए भी देश ने कई नीतिगत फैसले लिए हैं। 2022 के बजट में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को पेश किया गया है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग जैसी नीतियों पर नई शुरुआत हुई है। सप्लाई डिमांड और इकोसिस्टम की मजबूती से ईवी सेक्टर का आगे बढ़ना तय है। यानी ये साइलेंट रिवॉल्यूशन आने वाले दिनों में बड़ा परिवर्तन करने के लिए तैयार है।